आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई रेसिपी जिसका नाम है ढाबा स्टाइल सूखा चिकन। सूखे चिकन के लिए लगने वाले साहित्य मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो हमें लगेगा एक छोटा प्याज, 7 से 8 लाल मिर्ची, 2 चम्मच सूखा धनिया, 2 चम्मच दही, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच बड़ी सौंफ, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और ये 2 बड़े तले हुए प्याज हैं जो कि हम मैरिनेशन के लिए यूज़ करेंगे और ये है 2 चम्मच ऑयल। तो अभी हमें ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने लिया है 1/2 kg चिकन जो कि मैं वॉश करके रखी हूँ। तो अभी हमको इसे पहले मैरिनेट करना है। तो चलिए हम अभी मैरिनेट करते हैं ये चिकन को। तो मैरिनेशन के लिए मैं इसमें ये दही डालूंगी, उसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसको हम अभी अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं, फिर जाएगा ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और फिर जाएगी ये हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और ये नमक। हम तीनों भी एक साथ ये डाल देंगे। फिर जाएगा ये तला हुआ प्याज, मैं इसको थोड़ा सा भी मैश करके रखती हूँ और इसमें ये डाल देंगे। तो इसे अच्छे से हमें अभी मिक्स कर लेना है और ये थोड़ा सा मैं इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल रही हूं। ये हो गया है हमारा मैरिनेशन। अभी इसको हमें 1/2 घंटे के लिए कवर करके रखना है। मैरिनेट हो रहा है तब तक हम लोग सारे मसाले भून लेते हैं एक एक करके। और फ्रेंड्स, हमने जो ये प्याज लिया था, एक छोटा प्याज, वो हमें भूनना नहीं है। मैं ऐसे ही मसालों के साथ उसे मिक्सी में बारीक कर दूंगी। तो मसाले अच्छे से हमें भून लेना है और इसे ऑयल डाल के नहीं भूनना है। हम सारे मसालों को ड्राई रोस्ट कर देंगे। ये सूखा धनिया, इसमें मैं डाल दूंगी जीरा, फिर जाएगी बड़ी शेप और इसे अच्छे से इसका एरोमा आने तक हमें भून लेना है। मीडियम फ्लेम पे हम लोग इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे और इसका एक मिक्सर में पेस्ट बना देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले जो है ये अच्छे से भुने हुए हैं, इसका अच्छा एरोमा आ रहा है। तो अभी मसाले हो गए हैं, मैं गैस बंद कर रही हूँ। अब हम सारे मसालों को एक साथ पीस लेंगे। ये हमारा चिकन अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें लेना है 2 बड़े चम्मच ऑयल और ऑयल गर्म होने के बाद हमें मसाला इसमें भूनना है। तो हमने जो मसाले का पेस्ट बना के रखा है, देखिए इसका रेड कलर आया हुआ है क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्ची यूज किया था। तो अभी हम लोग, ये तेल थोड़ा सा हमारा गर्म हो चुका है, अभी हम लोग ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे और इसे हमें धीरे 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 मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से ये मसालों को भूनना है। हो चुके हैं, अभी हम लोग मसाला देखते हैं। देखिए ऑयल छोड़ दिया है मसालों ने, इसका मतलब हमारा मसाला पक चुका है। हम लोग इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, 1/2 टेबलस्पून हम लोग इसमें सॉल्ट डालेंगे क्योंकि हमने पहले ही मैरिनेशन में सॉल्ट डाला हुआ था। हम लोग सिर्फ मसाले के लिए अभी सॉल्ट डालने वाले हैं। तो सॉल्ट डल चुका है इसमें, अभी हम लोग इसमें चिकन डाल देते हैं। जो मैरिनेटेड किया हुआ चिकन है इसमें हम लोग डाल देंगे।
अभी हम लोग मिक्स कर लेंगे। देखिए इसका एकदम रेड रेड कलर आ चुका है और मसाला भी अच्छे तरीके से पक चुका है और ये चिकन भी मैरिनेट हो चुका था अच्छे तरीके से। अभी इसमें हमें कोई भी इंग्रेडिएंट डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप जो भी घर में गरम मसाला खाते हैं जैसे चिकन मसाला हो या मटन मसाला आप इसमें सबसे लास्ट डालेंगे। अभी हम लोग इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, अभी इसे हम लोग कवर करके रख देते हैं एकदम लो फ्लेम पे। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, अभी हम लोग देखते हैं इसका लीड खोल के, ये अच्छे तरीके से पक रहा है और देख सकते हैं आप मैंने इसमें पानी नहीं ऐड किया था, फिर भी कर्ड की वजह से और चिकन को अपना थोड़ा सा पानी छूटा हुआ है तो हम लोग को इसमें पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि ये चिकन सूखा है तो हमें इसे फिर से पकाना पड़ेगा 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही, क्योंकि चिकन हमारा पका हुआ नहीं है तो हम मीडियम फ्लेम पे इसे फिर से 5 मिनट के लिए पकाते हैं। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं, अभी हम लोग देखते हैं चिकन। देखिए चिकन का सारा जो पानी है वो सूख चुका है, हमने इसमें कुछ भी पानी ऐड नहीं किया था और चिकन हमारा अभी पका नहीं पका हमको टेस्ट करना है। देखिए ये पीस कट हो रहा है, इसका मतलब चिकन हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है। अभी इसमें हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो है 1/2 स्पून मलाई और 1/2 स्पून घी। 1/2 स्पून मलाई 1/2 स्पून घी हमें इसमें डालना है जिससे ढाबा स्टाइल इसको टेस्ट आएगी और जो ये रेसिपी है ये थोड़ी सी और रिच बनेगी। इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये मिक्स होने के बाद हमें लीड डाल देना है इसके ऊपर और गैस हम लोग अभी बंद कर देंगे। इसका जो स्टीम है वो इसी में रहना चाहिए, इसलिए हमें ये थोड़ा सा कवर करके ही रखना है और हम लोग अभी गैस बंद कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ढाबा स्टाइल चिकन सूखा रेडी है। देखिए इसमें कुछ भी पानी नहीं है और ये पूरा सूखा चिकन रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल स्मिताज इंडियन किचन, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।